नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेक्चर टू लेक्चर में। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर की तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। दोस्तों, हमने इसमें शुरू कर दिया है एमसीक्यू टेस्टिंग का। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए तो एक प्रीवियस वीडियो हम चैनल पर डाल चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आज ये हमारा बायोलॉजी का जो है ये सेकेंड वीडियो रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी हम फर्स्ट चैप्टर जो है इसमें सेल को लेकर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ दीज साइंटिस्ट ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन प्लांट टिश्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन में चार ऑप्शन है, जो राइट आंसर है वो है मिथाइस सेल्डन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु गेव द सेल थ्योरी। तो सेल्डन एंड स्वान दोनों ने मिलकर ये थ्योरी दी थी, तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथाइस सेल्डन वाज अ, तो कहाँ के थे ये साइंटिस्ट। तो बेसिकली ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, तो आंसर जो है वो सी रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर क्वेश्चन है, थियोडोर स्वान वाज अ साइंटिस्ट, कहाँ के ये साइंटिस्ट थे। तो ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइव क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट सेल आर, तो कौन सा जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो माइकोप्लाज्मा इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, तो कौन सा है इसमें आपका, राइबोसोम, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका राइबोसोम। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज साइंटिस्ट फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। तो ऊपर भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो सेल्डन एंड स्वान जो है इसका राइट आंसर है। इन दोनों ने मिलके जो है आपकी सेल थ्योरी दी थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट है, विच ऑफ दीज इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द सेल थ्योरी। तो यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट वॉज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन दैट न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो किसने ये बोला था कि जो सेल है वो पुरानी सेल से ही ग्रो होती है। तो ओमनी सेलुला ई सेलुला का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था आपका रुडोल्फ विर्चो ने। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टेन है, सेल्डन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेट द सेल थ्योरी, ट्रू है या फॉल्स है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है तो ये बिल्कुल सही है, दोनों ने साथ में मिलकर जो है ये थ्योरी को प्रपोज किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओमनी सेलुला इज सेलुला। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि रोडल्फ विर्चो ने जो है ये दिया था, और इसका मतलब क्या है। तो इसका ऑप्शन जो है राइट रहेगा वो रहेगा डी। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पुराने सेलों से ही नए सेल का निर्माण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो सेम यहाँ पर भी आंसर रोडोल्फ विर्चो रहेगा, क्योंकि रोडोल्फ विर्चो ने ही इसको दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो रोडोल्फ विर्चो जो है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थर्टीन क्वेश्चन है, हु गेव द फाइनल शेप ऑफ द सेल थ्योरी। अगेन देखिए आप, क्वेश्चन वहीं से आया है, तो इसका भी जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका रोडोल्फ विर्चो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज साइंटिस्ट डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द सेल थ्योरी। तो इसमें से कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने सेल थ्योरी में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। रोडोल्फ विर्चो ने दिया था दोस्तों, सेल्डन एंड स्वान तो थे ही। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रॉबर्ट कोच, जिन्होंने अपना यहाँ पर कोई भी योगदान नहीं दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of these is not a postulate of the cell theory? तो दोस्तों इसका जो right answer है वो है आपका D, cell arise from existing cell।
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। आप प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, आप अपने लेसन को क्लियर कीजिए, उसके बाद आप मेरे चैनल पे आके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।